अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फैसल बैंक में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें कैसे अप्लाई करना है और मुकम्मल प्रोसीजर आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको डेली बेसिस पर जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसका ऐड कोई नहीं है, आपको डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे लिए चलते हैं। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं गूगल पे फैसल बैंक कैरियर सेक्शन में, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट उनका जो वेबसाइट है, कैरियर सेक्शन है, वो ओपन हो जाएगा। आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन करनी है, जो पहला लिंक होगा अप्लाई ऑनलाइन का, तो आपने वहाँ पर क्लिक करनी है, आप डायरेक्टली फैसल बैंक की वेबसाइट पर चले जाएँगे। तो चलते हैं उनकी वेबसाइट पर और बताते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। आपने गूगल पे आ जाना है। आप जैसे ही पहले वाले लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने यही जो है पेज ओपन होगा। ये फैसल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें ये पोस्ट ओपन है, ये आप देख सकते हैं। ब्रांच मैनेजर है इस्लामिक ब्रांचेस में, रिलेशनशिप मैनेजर है लाइबिलिटीज़, और इसके अलावा ब्रांच सर्विसज मैनेजर है, इसके अलावा ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर है, जिसे टेली सर्विस ऑफिसर कहते हैं, टेलर यूनिवर्सल टेलर कहते हैं। तो आप अगर इसमें ये 2 मार्च को अनाउंस हुई हैं और ये मल्टीपल सिटीज़ मतलब आल पाकिस्तान में ये हैं, तो आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? तो मैं लेट्स सपोज कोई भी किसी पे भी ऑनलाइन अप्लाई आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो ये ब्रांच सर्विसेज ऑफिसर पे कर लेते हैं, टेलर यूनिवर्सल पे। तो आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये लोकेशन है, और इसके अलावा जेंडर मतलब नो प्रेफरेंस प्रेफरेंस है, कोई भी कर सकता है, मेल्स फीमेल्स। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन है, बीए बीएससी बीकॉम वगैरह ये वो। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सैलरी 20 से 30 हज़ार तक है, लास्ट डेट इसकी 16 मार्च है, ये आप देख सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या काम करना होगा, ये आप देख सकते हैं। कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन आपने रीड कर लेनी है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसकी इनकी वेबसाइट पे, तो आपने ईमेल और पासवर्ड लिखना है और डायरेक्टली लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप हेयर पे क्लिक करना है, या ब्लू कलर में देख रहे हैं, साइन अप हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। मिडिल नेम में कुछ लोगों को होता है कन्फ्यूजन होती है, अगर आपका नाम 3 वर्ड्स में है, लेट्स सपोज आपका नाम है अहमद अली खान, तो आपने फर्स्ट में अहमद लिखना है, मिडिल में अली लिखना है, और लास्ट में खान लिखना है। अगर आपका नेम दो वर्ड्स में है, तो आपने फर्स्ट में अहमद, मिडिल को ब्लैंक छोड़ देना है, तो आपने लास्ट में खान लिखना है। जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है, कंट्री सिटी जो भी है, ईमेल एड्रेस। दोस्तों एक बात गौर की जाती है कि जहाँ पे जिस सेक्शन में स्टार्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं कंट्रीज़ के आगे स्टार है, सिटी के आगे स्टार, ये लाजमी फ़िल करना होता है, क्योंकि इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन जो है फिल नहीं हो सकती है। तो ये लाजमी सेक्शन होते हैं, इनको लाजमी फ़िल करना है। इसके अलावा मोबाइल नंबर लिखना है, कोड लिखना है, अपना मोबाइल नंबर का जो कोड होता है, ये आप देख सकते हैं जो भी हो। इसके अलावा ये होम फ़ोन है, ये आपका है तो ठीक है, नहीं इसको ब्लैंक छोड़ दें। इसके अलावा NIC नंबर अपना लिखना है। इसके अलावा एकेडमिक इंफॉर्मेशन लिखनी है, ये आप देख सकते हैं कि जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मेजर सब्जेक्ट डिग्री टाइप यहाँ पे आ जाएगी, कौन सी डिग्री है आपके पास, आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, जो भी है आपके पास, ये बहुत सारी डिग्रीज आ जाती हैं, आपने यहाँ पर कर लेना है। इसके अलावा डिग्री टाइटल है, मतलब कौन सी है, BSc है, BCom है, ये वो सारा आपने लिखना है। मेजर कौन से हैं आपकी डिग्री में, मतलब अकाउंटिंग है, BCom आपने की हुआ है, या मैथ है, BSc की हुई है, तो इस किस्म के जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री हासिल की है, इसमें काफ़ी सारी आपकी आ जाएंगी। आपने जहाँ से भी डिग्री ली होगी तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जैसे भी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपने जिस साल को आपकी कम्प्लीट हुई है, डिग्री कंप्लीट हुई है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, मतलब जिस साल को आपने जो फाइनल डिग्री आपकी है वो कंप्लीट हुई है, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
इसके अलावा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने येस पे जैसे ऑलरेडी ऑटो क्लिक है तो यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस, जहाँ का भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है कि यहाँ पे आप किस इंडस्ट्री में आपके पास है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपने कितने साल का है और टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये वो सारा आपने सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आगे आ जाएगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये आप देख सकते हैं कौन सी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, ये आप देख सकते हैं मतलब आप दिलचस्पी रखते हैं कौन सी फील्ड में, तो आपने यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं फंक्शनल एरिया अपना सिलेक्ट कर लेना है, ये आप देख सकते हैं जहाँ जो आपका फंक्शनल एरिया हो तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है कैरियर लेवल आ जाता है, कैरियर लेवल में आप देख सकते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, एंट्री लेवल मतलब फ्रेश हैं बिल्कुल, और इसके अलावा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं या किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, या मतलब ये डिफरेंट इसमें आप देख सकते हैं कैरियर लेवल। आप जो भी हैं फ्रेश हैं तो एंट्री लेवल पे कर लेना है, मतलब इंटर्नशिप पे करना चाहते हैं, या स्टूडेंट हैं तो कोई भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा ये पे एक सिक्योरिटी कैप्चा होता है, आपने आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से रिडायरेक्ट होगा, आपने इसको ये जो पार्किंग मीटर्स हैं इनमें से सिलेक्ट कर लेने हैं। तो इस तरह से ये आपने सिलेक्ट कर लिए, आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक होगा, जब आप ये सारा फिल कर लेंगे, ये सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल कर लेंगे, तो आपने यहाँ पे रजिस्टरिंग कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपका इस तरह से अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, तो इस तरह आपने अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद नहीं होगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।